जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह लकी डिफेंस एकेडमी लाडनू नागौर राजस्थान से। तो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आर्मी अग्निवीर रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है मेरे भाइयों। तो जिन भाइयों खासकर अभी राजस्थान का सुबह से हमें पता लगा था, सुबह से फिजिकल के लिए गए थे तो रिजल्ट आ चुका है। जिन बंदों को नहीं पता है तो अपना चेक कर ले, रोल नंबर वगैरह अपना डाल के चेक कर ले। तो जो पास हो गए उनको भी धन्यवाद, जो पास नहीं हुए कोई बात नहीं, आपको मोरल डाउन करने की या कोई भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। आपकी कम तैयारी थी तो अगली बार और अच्छे से आप लोग तैयारी करना। तो जिन भाइयों को और बहनों का जिनका रिजल्ट आ चुका है, खासकर जीडीए ट्रेड्समैन है, एनए का भी मेरा यहाँ बंदे का रिजल्ट आ चुका है, बाकी स्टेट वालों को भी कॉल आ रहे हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं है, तो आ जाएगा। आपका एक बार स्टार्ट हो चुका है तो आपका एक दिन दो दिन लग सकता है, जैसे यूपी बिहार से एमपी से भी सुबह सुबह कॉल आए थे मेरे पास, बोला हमारा कब आएगा सर, तो आ जाएगा। इसमें आप ये नहीं घबराना का राजस्थान का आ गया हमारा आएगा नहीं, अब स्टार्ट हो चुका है तो आपका दो से चार दिन के अंदर ऑल इंडिया का सभी का आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपका पहला पड़ाव यानी आपने फर्स्ट सीढ़ी आपने पार किए, अभी तीन सीढ़ियां और है। तीन सीढ़ियां कौन कौन सी है मैं बता देता हूं। अभी आपका फिजिकल बाकी, फिजिकल में आपका 1600 मीटर रनिंग है बेटा, 10 बीम और 9 फीट डिच, ये आपको 100 में से 100 आप टारगेट रखो। ये नहीं सोचना मैं 88 ले आऊंगा, 85 86 ले आऊंगा तो पास हो जाऊंगा, बेटा फाइनल मेरिट में जाके वहां दिक्कत होती है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करो कि आपका जितना भी रिटर्न आया कोई बात नहीं आया, लेकिन यदि आपने इसमें 100 में से 100 फिजिकल में दे दिए तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा पड़ाव आएगा मेडिकल। ये भी नहीं सोचना कि मेडिकल, हम चलो मैं मानता हूं मेडिकल का बंदों को नहीं पता, आप लोग सिविलियंस हो आपको नहीं पता है, हमने तो फौज में भर्तियां कराई है और कराई तो हमें पता रहता है, या लकी डिफेंस अकेडमी में चला रहा हूं तो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोग जो आ सकता है लकी डिफेंस अकेडमी उनका तो यहां मेडिकल में कर देता हूं। कोई ऐसे बंदे जो कारणवश नहीं आ सकते तो मेरे ऊपर आप नंबर देख रहे हो 9588976083, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप कोई इसमें आप व्हाट्सएप भेज दो, मेरे सर ये प्रॉब्लम है और आप डिफेंस ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो मेरे को जितना टाइम मिलेगा मैं आपको इसमें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा। आप कमेंट्स भी कर सकते हो कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, और मैं भी बता देता हूं कि अभी उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका चौथा पड़ाव है फाइनल मेरिट। कई बंदे ऐसे हैं रिटर्न में भी पास हो जाते हैं, फिजिकल भी कर लेते हैं, मेडिकल भी फिट हो जाते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, बड़ा दुख होता है उस चीज में। तो बेटा ये एक चीज मायने नहीं रखती, इसको पार करने के लिए आपको रिटर्न भी अच्छा पढ़ना पड़ता है, फिजिकल भी अच्छा करना पड़ता है, मेडिकल भी पास करना पड़ता है। जिसने ये तीनों चीजें अच्छी कर ली उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाता है। ये कई बंदे बोलते हैं सर हमारे साथ भाई बंदी नहीं होती है फौज के अंदर, भाई बंदी नहीं होती है। मैं फौज में रहा हूं बेटा, फौज का राशन खाया मैंने, फौज का राशन खाया हुआ, फौज के अंदर भाई बंदी नहीं होती। आपको लगता है आपसे ऊपर बंदा जिसने अच्छी मेहनत की वो बंदा लग जाता, आपने थोड़ी सी कम मेहनत की है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बेटा ब्लेम मत करो, आप अपने ऊपर देखो हमने कितनी रिटर्न में तैयारी करी है। फिजिकल में हमने एक महीना दिया है, उस बंदे ने 6 महीने दिए, तो बेटा वो जो 6 महीने वाला एक महीने वाले में फर्क तो रहता है, नहीं रहता। उसकी अच्छी तैयारी होगी, आपकी उससे कम तैयारी होगी। वो 100 में से 100 नंबर लेके आपका 86 नंबर बढ़े, 88 नंबर बढ़े, 85 नंबर बढ़े, तो ये जाके या हो सकता है उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, या उसका रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट हो, या हो सकता है उसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो। आपको पता है कि स्पोर्ट्स के भी नंबर मिलते हैं, रिलेशन के भी नंबर मिलते हैं, और एनसीसी ए बी और सी इनके भी नंबर मिलते हैं, तो हो सकता है उसके कुछ नंबर अच्छे हो तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अगर आपका नहीं हो पाया तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को कॉल करके आप बातचीत कर सकते हो, मैसेज कॉल कर सकते हो, मैंने जो नंबर बताया इस पर व्हाट्सएप भी चलता है और कॉलिंग भी चलता है। दूसरा मैं बता देता हूं कि अभी हमारे फिजिकल के बैच स्टार्ट हो चुके, कोई जरूरी नहीं आपको लकी डिफेंस अकेडमी में आना, आप घर पे भी तैयारी करो। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, आप पैसे नहीं दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात हो सकती है कि हमारा सर घर के बगैर मन नहीं लगता। बेटा घर के बगैर मन तो लगाना पड़ेगा, यदि ऐसी कोई परिस्थिति है आप घर पे ही तैयारी करना चाहते हो तो जी जान से आप तैयारी करो, टाइम पास मत करो। अभी आप टाइम पास करोगे जैसे ही आपकी एज निकल जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा नहीं शिवरतन सर सही बकवास करता था और हमारे मम्मी पापा सही बोलते थे। बेटा अभी नहीं एहसास होगा आपको, अभी आपको पूरा हरा ही हरा नजर आ रहा है, आप सोच रहे हो ऐसे ही हमारी जिंदगी चलने वाली, बेटा ऐसे जिंदगी नहीं चलने वाले। तो आपको बताते हैं जहां भी रहते हो मेहनत करो, क्यों आपका पापा का पैसा भी वेस्ट हो रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। एक बार टाइम निकलने के बाद में दोबारा वो टाइम नहीं आएगा, और आप कई बंदे सोच रहे होंगे कि मैं तो 10th का दोबारा बना लूंगा, दोबारा 10वीं कर लूंगा, नया आधार बना लूंगा, चक्कर बने रहना बेटा ऑनलाइन है, ऐसी गांठ फंसेगी कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है।
तो आप लोग जहां भी रहो मेहनत करते रहो, और लकी डिफेंस एकेडमी में अभी खासकर रनिंग का फिजिकल या मेडिकल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिन भाइयों को और बहनों को आना है आ सकते हो, 9588976083 आप इस पर कॉल करिए, अपने पेरेंट्स को साथ ले गए, आधार कार्ड मार्कशीट और दो फोटो या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पेरेंट्स को ले गए। दिल्ली यूपी वाले बिहार वाले हैं वो बंदे, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन आती है लाडनू के लिए, इधर गुजरात है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, डायरेक्ट ट्रेन आती है लाडनू के लिए, जयपुर से डायरेक्ट बस आती है, अजमेर से डायरेक्ट बस आती है, नागौर से डायरेक्ट बस आती है, तो पूरा साधन है, ट्रेन का भी है और यहाँ बसों का भी साधन है। लेकिन आने से पहले मेरे को कॉल कर देना कि सर हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ पहुंचे, आप वो सर ये परेशान नहीं होना कि सर क्या बोलेंगे, सर कुछ नहीं बेटा, आप घर से निकलते हो तो मेरे को कॉल कर लो, आपको रस्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो उन भाई और बहनों के लिए था, अभी आपका फर्स्ट पड़ाव खत्म हुआ है, अभी आपका फिजिकल मेडिकल और फाइनल मेरिट बाकी है, उसके लिए जी जान से जुड़ जाओ। और जिसको लकी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है आप मेरे को कॉल करके आ सकते हो, अपने पेरेंट्स को साथ लेना, या आपको फिजिकल मेडिकल तीन टाइम बेस्ट खाना, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट खाना बेटा। अभी कल ही मेरे पास एक बच्ची आई है और उसका भाई आया है, बहुत बड़ी एकेडमी में जाके बोला सर खाने के नाम में कुछ नहीं था, सब बकवास, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और बच्ची से मिला हूँ कभी, तो ये बेटा जो बोल रहा हूँ वो चीजें आपको मिलेगी, और अपने पेरेंट्स को साथ ले आओ, 100% सिलेक्शन में दूंगा आप मेरे हिसाब से चले तो। रतन सिंह आपका दोस्त, आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जय हिंद जय भारत।